संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। दिल्ली में जिस तरीके से झमाझम बारिश हुई है, उसका नतीजा ये भी है कि संसद के अंदर पानी भर गया है। संसद भवन का जो परिसर है, वहाँ के आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हुए हैं। ये जो रास्ता जाता है, ये गेट नंबर 12 की तरफ जाता है। यहाँ से राज्यसभा की ओर जाने का रास्ता होता है। जो भी सांसद यहाँ पर पहुँचेंगे, उनको इस पानी से गुजर करके आना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये सामने एक नंबर गेट है, और इस गेट के जरिए जो लोग भी आएंगे जाएंगे, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप हमारी दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है। करीब 40 मिनट तक भयंकर बारिश हुई है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से झमाझम बारिश हुई है, उसके बाद संसद परिसर में काफ़ी जलभराव हो गया है। जो ग्राउंड फ्लोर है संसद परिसर का, वहां से पानी निकालने के लिए इंजन का भी सहारा इस वक्त लिया जा रहा है। संसद भवन का बेसमेंट है, उसके अंदर पानी भर गया है, और इस पानी को निकालने के लिए 3 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में भर गया है कि उसको निकालने के लिए इंजन किस तरीके से यहाँ पर पानी बाहर फेंक रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर जिस तरीके से बारिश हुई, और इस बारिश के बाद संसद के जो अगल बगल का इलाका है, यानी जो संसद परिसर है, उन जगहों पर पानी भर गया है। सांसदों की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, और इन गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूब रहे हैं। अब स्थिति ये है कि यहाँ से पानी निकालने के लिए कोशिश इंजनों के जरिए किया जा रहा है। ये 3 इंजन लगाए गए हैं, और इन इंजन के जरिए जो बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, उसको बाहर किया जा रहा है।